बीते दिनों अंबेडकर कॉलोनी में हुई घटनाओं के विरोध में शनिवार को यादव महासभा ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। अंबेडकर कॉलोनी में हुई घटनाओं के विरोध में यादव महासभा द्वारा विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में यादव बंधु यादव मंडी स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर से एकत्रित होकर एसपी ऑफिस पहुंचे और अंबेडकर कॉलोनी में हुई घटनाओं को लेकर ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। यादव बंधुओं ने कहा, विशेष के असामाजिक तत्वों ने पहले यादव मंडी नीमच कैंट फिर अंबेडकर कॉलोनी में लगातार 3 घटनाएं की। इस तरह की घटनाएं बार बार होने से समाजजनों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ केवल प्रकरण ही दर्ज न किया जाए बल्कि रासुका और जिला बदर जैसी कार्यवाही, जिससे वे दोबारा इस तरह की घटना न हो सके। ज्ञापन में आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग के साथ घायलों को मुआवजा दिलाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और अंबेडकर कॉलोनी में नाले के सहारे चलने वाला जुआ सट्टा सहित अवैध गतिविधि बंद करने संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन यादव महासभा अध्यक्ष राकेश सोन ने किया। इस अवसर पर यादव महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविशंकर जेरिया, दिनेश कर्णिक, महेश जेरिया, रूपेंद्र लोक्स, मनोहर अंब, अमर सिंह जयंत, प्रदीप कुमार सगर, नंदकिशोर कुंगर, अजय व्यास, करण सिंह डूंगरवाल, धर्मेंद्र व्यास, हरिभाई यादव, मंगल मौर्य, प्रताप सिसोदिया, कृष्णकांत सिसोदिया, रमेश कुमार, दीपक कर्णिक, मनोज कर्णिक, सूरज व्यास, नंदकिशोर व्यास, देवेंद्र बरई, तेजू व्यास, विनोद राजोरा, लखन यादव, लक्कू यादव, इलू यादव, राजू सीकोदा, मनीष अंब, कमेश अंब, सोनू अंब, लक्की यादव, सोनू यादव सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे।